हेलो स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इडूस इंडिया पे। और आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हाइड्रोजन। काफ़ी प्यारा चैप्टर है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में कि भाई हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, तत्व अपने पास में है, उससे हम कौन कौन से यौगिक बना सकते हैं, उसकी अभिक्रियाएं किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, हाइड्रोजन गैस को बनाने की विधियां क्या क्या होगी। तो इस प्रकार के टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर हम H2 के बनाने की विधियां, इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, साथ में इसके हम भाई यहाँ पर समस्थानिक की बात भी करेंगे, यहाँ पर इसके जो समावयवी होते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बच्चों क्या होगा कि H2 से बनने वाले यौगिक, जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर के बारे में डिस्कशन करना होगा हमें यहाँ पर। जो पानी के अंदर जो कठोरता आती है बच्चों, जो परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं पानी के से, तो इस प्रकार के कठोरता को दूर करने की विधियां भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे बच्चों कि जो हाइड्रोजन का जो एक इम्पॉर्टेंट यौगिक है अपने पास में, जिसका नाम है हाइड्रोजन परोक्साइड, उसके बारे में भी हमें काफ़ी डिस्कशन करना होगा। उसको बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे यहाँ पर हम, उसके गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो इस प्रकार से H2 से रिलेटेड जो भी बातें होगी हम वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग नोट करें, जो चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ओके बच्चों, तो नोट कीजिएगा, चैप्टर का नाम है अपने पास में हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो ये आपने हुआ चैप्टर का नाम कि यहां पर हम हाइड्रोजन और इससे बनने वाले यौगिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो भाई हम सबसे पहले डिस्कशन करें कि जो हमारा तत्व है हाइड्रोजन, वो आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसका जो परमाणु क्रमांक के बच्चों वो कितना होता है, वो एक होता है, ठीक है। तो ये हमने आवर्त सारणी में इसको सबसे पहले रखा है यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जो वर्ग नंबर एक में हमें दिखाई देता है और ये आवर्त नंबर एक में भी हमें दिखाई देता है। भाई काफ़ी साइंटिस्ट बच्चों ये मानते हैं कि जो हाइड्रोजन की जो स्थिति है आवर्त सारणी में, वो दो जगह होनी चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी वर्तमान में आवर्त सारणी के अंदर इसकी जो स्थिति है वो अभी फिक्स नहीं है। वो कहाँ पर है अभी है? ये वैज्ञानिक के अनुसार ये वर्ग संख्या एक में भी है और वर्ग संख्या 17 में भी इसको रखा गया है। तो भाई हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसकी आवर्त सारणी में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तो आप अपनी कॉपी में पॉइंट नोट करें, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति। तो नोट किया पर आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति। ओके बच्चों, ठीक है, नोट कीजिए इसको। आवर्त सारणी में दो जगह पर रख सकते हैं, उसका हम कारण भी देखेंगे बच्चों यहां पर। जो पहला अपने पास में वर्ग है वो वर्ग होगा यहां पर प्रथम वर्ग या फर्स्ट वर्ग की हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं यहां पर 17वें नंबर की हम बात करते हैं, 17वां वर्ग की हम बात करेंगे। 17वें वर्ग को हमने नाम दिया है 7A वर्ग, और मेंडेलीफ के अनुसार फर्स्ट वर्ग को हम बोलते हैं फर्स्ट ए वर्ग। ओके बच्चों, और आपको पता है बच्चों 17वां नंबर का जो वर्ग होता है वो हैलोजन का भी वर्ग होता है, वहां पर हैलोजन तत्व रखे जाते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम हैलोजन वर्ग की हम बात कर रहे हैं यहां पर, हैलोजन वर्ग की हम बात कर रहे हैं। और फर्स्ट ए का मीनिंग हुआ कि यहां पर हम क्या करते हैं, क्षारीय धातु की बात कर रहे हैं, क्षारीय धातु वर्ग की हम बात कर रहे हैं।
तो भाई हम क्षारीय धातु वर्ग में हाइड्रोजन को स्थान क्यों देते हैं, इसके पीछे भी कई कारण होते हैं, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो भाई आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि आपसे पूछा जाता है कि क्षारीय धातु जो वर्ग हैं उनके तत्वों की जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो कितनी होती है, वो होती है यहाँ पर एक होती है। ओके बच्चों, तो हम बात करें यहाँ पर, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन की संयोजकता फर्स्ट ए वर्ग के समान एक होती है। भाई सभी वहां पर एक वैलेंसी शो करते हैं और हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक वैलेंसी शो करता है, एक तो ये समानता होगी यहां पर। नेक्स्ट बाकी हम बात करें बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि क्षारीय धातु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, भाई एक होती है। ओके, इसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1s1 मतलब 1 होती है। तो हमने नोट किया फर्स्ट ए वर्ग के समान हाइड्रोजन में भी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होती है। आप इसका विन्यास लिख देंगे 1s1। ओके बच्चों, इस तरह से हमने यहां पर नोट किया। अब भाई आपको पता है कि जो क्षारीय धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, वो क्या बनाते हैं बच्चों, वो बनाते हैं वहां पर स्थायी एक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। वह क्या करते हैं बच्चों, वहां पर एक स्थायी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन भी क्या करता है, ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया करता है और एक स्थायी ऑक्साइड का निर्माण भी करता है। साथ में हम बात करें बच्चों कि जो क्षारीय धातु होते हैं वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, वो क्या बनाते हैं वहां पर, वो बनाते हैं धनायन। ओके, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्या करता है बच्चों, उसी प्रकार जो हाइड्रोजन है वो भी बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो भी क्या करता है, वहां पर धनायन का निर्माण कर लेता है। तो ये दो गुण हमें दिखाई दिए यहां पर, जिनकी वजह से हम यहां पर इसको फर्स्ट ए वर्ग में आसानी से रख सकते हैं। ओके, तो हमने नोट किया। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर फर्स्ट ए वर्ग के धातुओं के समान H+ आयन का निर्माण करता है ओके बच्चों, नेक्स्ट सेकेंड हमने क्या बात करी थी कि जो हाइड्रोजन है वो बनाएगा एक स्टेबल ऑक्साइड का निर्माण करेगा, जैसे कि फर्स्ट ए वर्ग के ऑक्साइड हम देखते हैं वो भी काफी स्थायी होते हैं। तो ये भी नोट कर देते हैं यहां पर, हमने नोट किया हाइड्रोजन फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों के समान क्या करता है भाई, तत्वों के समान स्थायी ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O का निर्माण करता है तो भाई ऐसे काफी सारे गुण हैं जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व के साथ हाइड्रोजन की समानता को प्रदर्शित करते हैं। तो भाई इस वजह से आप इसको कहां रख सकते हैं, फर्स्ट ए वर्ग में आप इनको आसानी से रख सकते हैं। यदि हम बात करें तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है बच्चों कि आप इनको हैलोजन में सबसे ऊपर भी स्थान दे सकते हैं, ठीक है। वो मानते हैं कि हैलोजन में भी क्या होता है, हैलोजन के सबसे ऊपर इसको हम स्थान दे सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, आइए इसको हम देखते हैं। यदि हम बात करें हैलोजन की बात करते हैं बच्चों, तो आप ध्यान से देखिएगा, हम बात करें बच्चों कि यदि हैलोजन को अपना बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरना है, अपना बाह्यतम कोश का करना है उसको पूर्ण रूप से भरना है,
तो सभी हैलोजन को मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन को भी अपना बाह्यतम कक्ष को पूरा भरना है तो उसे भी क्या होती है बच्चों, मात्र एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के गुणधर्म हमें सेम दिखाई दिए, इससे हम उसको हैलोजन के साथ भी रखना पसंद करेंगे। हम नोट किया यहां पर हैलोजन के समान हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करता है। ओके बच्चों, यहां पर सभी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, हैलोजन को भी हाइड्रोजन को भी, तो वो अपना बाह्यतम कोश आसानी से पूरा कर लेते हैं और स्थाई क्या बन जाएंगे, वहां पर स्थाई विन्यास प्राप्त कर लेंगे। यदि हम बच्चों बात करें नेक्स्ट में पर, आपने देखा कि जो हैलोजन होते हैं उनके अणु क्या होते हैं, द्विपरमाणु टाइप के होते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2, I2। उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है वो भी क्या करता है बच्चों, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या करता है, द्विपरमाणु अणु जिसे बोलते हैं हम डाइहाइड्रोजन का निर्माण आसानी से कर देता है। तो यहां लिखते हैं, यहां पर हम हैलोजन के समान हाइड्रोजन भी द्विपरमाणविक अणु H2 का निर्माण करता है तो भाई अब आपको रखना पड़ेगा कहां पर, संबंध ए में या शत्रु वर्ग में भी रखना पड़ेगा आपको। और यदि हम बात करें बच्चों आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो आपको पता है बच्चों जितने भी हैलोजन होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं, वो ऋण आयन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो अपना हाइड्रोजन है वो भी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और वापस H- का निर्माण कर देता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहां पर हम हैलोजन के समान हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- आयन का निर्माण आसानी से करता है। तो भाई हमने यहां पर H- आयन का निर्माण किया, उस आयन को बोलते हैं हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो भाई यहां पर हमारे पास में काफी सारी प्रॉपर्टी ऐसी है, काफी सारे गुणधर्म ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें हाइड्रोजन को 17वें वर्ग में भी रखना होगा। ओके बच्चों, तो भाई अभी हम कहां रख रहे हैं इसको, हम रखते हैं इसको फर्स्ट ए वर्ग में और 7th ए वर्ग में इसको हम स्थान दे सकते हैं। लेकिन बच्चों कुछ साइंटिस्ट का मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भाई इसको ना तो फर्स्ट ए वर्ग में रखो और ना ही 7th ए वर्ग में रखो। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है वर्तमान में आवर्त सारणी के अंदर अभी फिक्स नहीं है। भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको हम फर्स्ट ए में रखा, हमने 7th ए में भी रखा, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसको ना फर्स्ट में रखो ना 7th में रखो, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर हमने नोट किया, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन तत्व की स्थिति वर्तमान में आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है या स्थिति निश्चित नहीं है। क्यों बच्चों निश्चित यहां पर नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ध्यान से। यदि हम बात करें Na2O काफी सारे हमने ऑक्साइड लिखे हैं,
ये सब फर्स्ट ए वर्ग के हैं। इन सब की प्रवृत्तियां बताइए क्या होती है, क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं? तो आपका आंसर होगा कि सर जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट ए वर्ग के सभी ऑक्साइड क्या होते हैं अपर भाई, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के हैं। लेकिन यदि हम बात करें बच्चों H2O की हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये न क्षारीय है ना ही ये अम्ली है। तो क्या ये उदासीन प्रवृत्ति का है। तो हमने नोट किया कि ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो हमने ध्यान से देखा कि गुणधर्म यहाँ पर फर्स्ट ऐसे अब मैच नहीं कर रहे हैं, गुणधर्म नहीं मिल रहे हैं। यदि गुणधर्म नहीं मिलेंगे तो फर्स्ट ए में आप इनको नहीं रखेंगे। यदि हम बात करें बच्चों सेवंथ ए के अंदर बात करते हैं, जहाँ पर हम हेलोजन की बात करते हैं, यदि हम देखते हैं हेलोजन में यदि हमारे पास में है, जैसे कोई हमने लिया Cl2O लिया, हमने Br2O लिया, हमने यहाँ पर या हमने यहाँ पर लिया I2O, इस टाइप के हमने बनाए ऑक्साइड बनाए, इन सब की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है अम्लीय होती है। लेकिन यदि हम बात करें H2 की प्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा ये तो कैसा होता है बच्चों, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो ये उदासीन प्रवृत्ति का है, बाकी सारे अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेवंथ ए वर्ग के यौगिक से इनका मेल जोल यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये फर्स्ट ए के लायक भी नहीं है, सेवंथ ए के लायक भी नहीं है, तो फिर कहाँ रखें उसको, कहाँ रखते हैं? अभी इसकी वर्तमान में स्थिति निश्चित नहीं है। तो हमने आंसर दिया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वर्तमान में कैसा तत्व है, वर्तमान में ये बच्चों ये आवारा तत्व है, आवारा तत्व है। ओके, ध्यान रखना कैसा ये आवारा तत्व होता है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है अच्छी तरह पढ़ाई करें, साइंटिस्ट बने, और जो हाइड्रोजन है हमारा उसको एक फिक्स पोजीशन दें, उसका एक फिक्स रीजन दें, और इसके जो प्रॉब्लम को आप आसानी से दूर कर दें। ओके बच्चों, तो नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। तो भाई हमने यहाँ पर इनकी स्थिति की बात कर ली है, हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए, हम बचपन से पढ़ता रहे कि हाइड्रोजन जो तत्व है या गैस है उसकी खोज कौन से साइंटिस्ट ने करी भाई, उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने H2 की खोज करी थी और इसको नाम दिया था ज्वलन गैस। क्या बोला उन्होंने, ज्वलन गैस इसको नाम दिया। और जो बच्चों हाइड्रोजन नाम है वो दिया गया था लेवोशे के द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि नाम दिया है हाइड्रोजन लेवोशे ने और खोज करी है किसने करी, खोज यहां पर हेनरी कैवेंडिश ने करी है। भाई हम आगे बात करें तो आपको पता होगा कि ये नवा ऐसा तत्व है जो वातावरण में या प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। तो 9 नंबर पर यह तत्व आता है उपस्थिति के आधार पर। तो भाई ये तो सिंपल पॉइंट थे, साइंटिस्ट के नाम जनरली आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो आपने इसको ध्यान सुना। हम अगले पॉइंट पर, अगले टॉपिक पर एंट्री करते हैं। हम देखते हैं बच्चों कि जो सामान्य हाइड्रोजन होती है, ऑर्डिनरी जो हाइड्रोजन होती है, उसके भी क्या होते हैं बच्चों, आयसोमर बनते हैं, समावयवी बनते हैं, यानी हाइड्रोजन में भी समावयवता पाई जाती है। तो हम बात करेंगे यहां पर आयसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन के। ओके, तो नोट कीजिएगा यहां पर अगला पॉइंट, आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन हेडिंग देखा हमने यहां पर, समावयव। ठीक है, ये आज को लिख देंगे हम, आइसोमर से लिख दीजिए इसको, हाइड्रोजन के समावयव की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो भाई समावयव की हम बात करें तो यहां पर जो सामान्य हाइड्रोजन है उसमें आपको दो प्रकार के समावयवी मिलेंगे, यहां पर आइसोमर मिलेंगे, जिनका नाम है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। क्या नाम है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो हमने नोट किया कि यहां पर हमें दो प्रकार के समावयवी मिलते हैं जिनका नाम है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो इसके हम पॉइंट लिख देते हैं, कौन कौन सा नाम हुआ यहां पर,
ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पे नोट किया हमने पेरा हाइड्रोजन। भाई ऑर्थो हाइड्रोजन और पेरा जो हाइड्रोजन है उनका आणविक जो सूत्र होता है दोनों का सेम है H2, और यहां पर भी क्या है बच्चों H2 होता है। तो पहले हम दोनों को परिभाषित करना चाहेंगे। परिभाषित करने के पहले हम इनके चित्र को देखते हैं कि कौन सा आधार है जिनके कारण दोनों हाइड्रोजन को हमने अलग अलग करके बताया है। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यहां पर जो H2 मॉलिक्यूल है, H2 का जो अणु है, यहां पर दो हाइड्रोजन ने आपस में मिलकर बंध का निर्माण किया है और उस बंध का निर्माण होता है सहसंयोजक बंध। ओके बच्चों, हमने यहां पर दोनों H को बना दिया है, यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन ने साझा किया है और बन चुका है यहां पर सहसंयोजक बंध बन चुका है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर इनके नाभिक में एक प्रोटॉन उपस्थित है, तो हमने यहां पर एक प्रोटॉन को बना दिया है, एक प्लस हमने नोट किया। इसके नाभिक में भी एक प्रोटॉन उपस्थित है तो हमने यहां पर एक प्लस नोट किया है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेम टाइप का डायग्राम आपको इधर बनाना है, तो सेम टाइप का फोटो मैंने यहां पर इधर बना दिया है कि यहां पर भी H2 का ही अणु है, यहां पर भी दो परमाणु मिलकर क्या करते हैं सहसंयोजी बंध से आपस में जुड़े होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन हमने प्रदर्शित कर दिए हैं, यहां पर मात्र एक ही प्रोटोन है, यहां पर भी मात्र एक ही प्रोटोन है। अभी तक दोनों के फोटो हमने लगभग समान बनाए हैं, फोटो समान है, लेकिन यहां पर कुछ गुण यहां पर डिफरेंट टाइप के दिखाई देंगे। किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा कि हमने ऑर्थो जो हाइड्रोजन बनाई है बच्चों, वहां पे क्या होता है, ये जो नाभिक है ये घूमता है, इसमें चक्रण दिखाई देता है, और यदि इसका चक्रण इस दिशा में है तो पास वाले परमाणु का चक्रण भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा। इसे हम घड़ी की दिशा बोल सकते हैं कि घड़ी की दिशा में ये चक्रण कर रहे हैं दोनों नाभिक। हम बात करें पेरा हाइड्रोजन की, बात करते हैं बच्चों, तो यदि एक परमाणु के नाभिक का चक्रण इस दिशा में है, घड़े की दिशा में है, तो दूसरे परमाणु की नाभिक का चक्रण होगा वो उसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़े की विपरीत दिशा में हमें दिखाई देगा। तो भाई यदि दोनों का चक्रण आपको विपरीत दिशा में दिख रहा है तो पेरा हाइड्रोजन है, और यदि वहां पर आपको दोनों का चक्रण एक ही दिशा में दिख रहा है तो वो क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोजन होगा। तो इसको हमने परिभाषित कर दिया है, और इसी वजह से यहां पर क्या बनते हैं, दो नए समावयवी बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने नोट किया यहां पर लिखा हमने ऑर्थो हाइड्रोजन में दोनों परमाणुओं की नाभिक का चक्रण समान दिशा में होता है, समान दिशा में होता है। ओके बच्चों, और इसका जस्ट आपने लिखा अपोजिट यहां पर कि पेरा हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, यहां पर पेरा हाइड्रोजन में, इसको टू कर देना क्योंकि अणु के रूप में होता है, पेरा हाइड्रोजन में दोनों परमाणुओं की नाभिकों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। भाई दोनों को हमने परिभाषित कर दिया है। नेक्स्ट पर बातें हैं कि जो सामान्य हाइड्रोजन है, यदि हमने एक जार में, यदि हमने एक लीटर सामान्य हाइड्रोजन को लिया है बच्चों, तो वहां पर आपको दोनों का मिश्रण मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि वहां पर आपको सिर्फ एक ही प्रकार की वहां पर H2 मिलेगी, वहां पर आपको दोनों प्रकार की गैसों का मिश्रण मिलेगा। और आपको हम बता दें कि यहां पर ऑर्थो जो हाइड्रोजन है वो सामान्य तापमान पर कितनी होती है, 75% होती है। तो नोट किया मैंने यहां पर कि यहां पर इसका जो अनुपात है सामान्य तापमान पर, ये ऑर्थो कितनी मिलती है हमें, ऑर्थो मिलती है हमें 75% हमें मिलती है ऑर्थो हाइड्रोजन, और यहां मिलती है हमें कितनी है 25% हमें मिलती है पेरा हाइड्रोजन। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ,
कि यदि तापमान समान है और आपने गैस का जार लिया हुआ है तो इस जार के अंदर 75% तो क्या मिलेगी आपको, ऑर्थो मिलेगी, क्या हाइड्रोजन, और 25% क्या मिलेगी आपको बच्चों यहां पर, यह मिलती है हमें पैरा हाइड्रोजन। तो भाई इनका हमने यहां पर अनुपात नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट क्लियर हो चुका बच्चों कि सामान्य तापमान पर यानी कमरे के तापमान पर दोनों का जो अनुपात मिला हमें वो कितना मिलता है, 3:1 हमें प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं, यहां पर हम अगला पॉइंट नोट करते हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट है। नंबर एक पॉइंट लिखा हमने यहां पर, कमरे के तापमान पर ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन का अनुपात कितना मिला भाई हमें, 3:1 होता है या मिलता है। ओके बच्चों, तो यहां पर सामान्य तापमान पर 3:1 में दिखाई देगा। यदि आपने जार का तापमान 0 डिग्री केल्विन कर दिया तो क्या हुआ, वहां पर 0 डिग्री केल्विन पे क्या होगा बच्चों, जितनी भी ऑर्थो होती है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 केल्विन पर आपको सिर्फ पे क्या होगी, पैरा हाइड्रोजन ही वहां पर आपको स्थायी रूप से दिखाई देगी, ऑर्थो अपना अस्तित्व खो देता है। तो आप ये नोट कीजिएगा यहां पर, नंबर टू पर 0 केल्विन तापमान पर केवल पैरा हाइड्रोजन ही स्थाई होती है। ओके बच्चों, अब यदि आपने क्या किया, कमरे के तापमान से आपने तापमान को और अधिक बढ़ा दिया है, 25 डिग्री से आपने क्या किया उसको 30 कर दिया, 40 कर दिया, तो क्या होगा भाई, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, दोनों का अनुपात फिक्स रहता है, 3:1 ही आपको वहां पर प्राप्त होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि तापमान बढ़ाने पर यहां पर अनुपात में कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमने नोट किया पॉइंट नंबर 3 पर, तापमान बढ़ाने पर ऑर्थो व पैरा का अनुपात 3:1 ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर देखा कि कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बच्चों बात करें, यदि हम हवा के द्रवीकरण के तापमान पर देखें, कौन सा तापमान है? बोला हमने कि जो हवा होती है उसके, हवा के सभी गैसों को हम जिस तापमान पर द्रवित करते हैं, द्रव अवस्था में लाते हैं, उस तापमान पर यदि हम दोनों का अनुपात चेक करते हैं तो दोनों का अनुपात हमें बच्चों क्या मिलता है, वहां पर 1:1 मिलता है, दोनों बराबर मात्रा में हमें वहां पर दिखाई देगी गैस जार के अंदर। तो अब ये भी नोट कर लेंगे यहां पर हम, हमने इधर लिखा पॉइंट नंबर फोर लिखेंगे यहां पर हम, हवा के द्रवीकरण तापमान पर ऑर्थो व पैरा हाइड्रोजन का अनुपात 1:1 प्राप्त होता है। तो भाई इस प्रकार से हमने यहां पर हाइड्रोजन के क्या पढ़े, यहां पर हमने यहां पर समावयवी के बारे में अध्ययन किया है, उसके कुछ गुणधर्मों के बारे में पता किया है। आपको बच्चों यहां पर मुख्य रूप से इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है कि ऑर्थो में नाभिक का चक्रण एक दिशा में होगा और पैरा में क्या होगा, विपरीत दिशा में चक्रण आपको दिखाई देगा। ओके बच्चों, तो भाई आइसोमर्स के बाद में हम पढ़ना चाहेंगे इसके समस्थानिकों के बारे में। तो अगला हेडिंग नोट करेंगे आप, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के
समस्थानिक। समस्थानिक को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो टॉपिक का नाम हुआ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो भाई आइसोटॉप का मीनिंग क्या होता है? आइसोटॉप का मीनिंग होता है कि एक ही तत्व जिनमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक की संख्या तो समान होनी चाहिए, लेकिन उनके क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो हमने नोट किया एक ही तत्व के यौगिक या प्रजातियां जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा भाई, द्रव्यमान वहां पर भिन्न भिन्न होगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, समस्थानिक कहते हैं। इन्हें एक ही तत्व का डिफरेंट टाइप के रूप में मिलना, एक ही तत्व का डिफरेंट टाइप के रूप में मिलना जहां पर क्रमांक तो समान है लेकिन क्या होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा, तो समस्थानिक कहलाते हैं। और जो हमारा हाइड्रोजन है बच्चों, वो तीन प्रकार के समस्थानिक को प्रदर्शित करता है। हम बात करें नंबर एक पर, जिसका नाम है प्रोटियम है, दूसरा है ड्यूटेरियम है, तीसरा है ट्रिटियम है। ओके बच्चों, तो हमने नोट किया हाइड्रोजन समस्थानिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले मिलता हमें प्रोटियम, दूसरी की हम बात करते हैं ड्यूटेरियम और हम तीसरी की बात करें तो मिलेगा हमें यहां पर ट्रिटियम। ओके बच्चों, तो यहां पर हमने कहा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीन प्रकार के समस्थानिक हैं। यदि हम इनके प्रतीक की बात करें, सिंबल की बात करें, किस हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए यहां पर हमने नोट किया, यहां पर प्रतीक की बात करें हम, प्रतीक देखते हैं यहां पर हम, प्रतीक होता है इसका बच्चों H1H, यहां पर इसका प्रतीक होता है DH2, यहां पर होता है इसका प्रतीक होता है T1 और 3। जो नीचे लिखे गए नंबर है वो परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो नंबर लिखे गए वो परमाणु का द्रव्यमान होता है। जब बात करें बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात की हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हमने नोट किया यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनुपात की हम बात करें यहां पर, तो ध्यान से देखते हैं यहां पर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटियम में बच्चों एक होता है, प्रोटॉन भी एक ही होता है, न्यूट्रॉन यहां पर नहीं होते हैं, यहां पर मिलते हमें कितने हैं, जीरो। ओके, तो यहां पर एक अनुपात एक हमें मिलता है, न्यूट्रॉन यहां पर जीरो होते हैं। हम यहां पर बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर हमें दिखाई देगा, यहां पर हमें दिखाई देगा एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो कभी कभी आपसे यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अनुपात पूछ सकता है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या दो होती है, ड्यूटेरियम में वन होती है, प्रोटियम में जीरो आपको मिलती है यहां पर। ओके बच्चों, जब इसके बच्चों बात करें उपस्थिति की बात करें कि अपने जो वायुमंडल है या यूनिवर्स की हम बात करते हैं, तो कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत मात्रा में हमें यहां पर तीनों समस्थानिक यहां पर प्राप्त होते हैं, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। हम यहां पर देखिए ध्यान से, हम बात करें इसकी उपस्थिति के बारे में, उपस्थिति के बारे में बात करें बच्चों यहां पर हम, तो यहां पर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है बच्चों में क्या मिलता है, प्रोटियम प्राप्त होता है। प्रोटियम की जो मात्रा में दिखाई देती है वो लगभग यहां पर 99% है, जिसको आप आगे भी लिख सकते हैं 99.8% यहां पर हमें मिलती है। यदि हम बात करें ड्यूटेरियम की बात करते हैं, तो काफी कम मात्रा में बच्चों हमें मिलता है, ये हमें मिलता है 0.015% हमें मिलता है। और यदि हम ट्रिटियम की बात करें तो बहुत कम मिलता हमें, कितना, 10^-15% हमें ये प्राप्त होता है। तो काफी कम क्वांटिटी में मिलता हमें कौन सा, ट्रिटियम यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर पर बच्चों हम बात करते हैं यहां पर कि यहां पर जो तीनों प्रकार के समस्थानिक हैं उनका सामान्य नाम क्या होता है, तो देखते हैं यहां पर, यहां पर नोट किया हमने, यहां पर
सामान्य सामान्य नाम। सामान्य नाम के हम बच्चों बात करें तो प्रोटियम को बोलते हैं हम साधारण हाइड्रोजन बोलते हैं। तो लिखिए इसका नाम क्या होगा भाई जी, भाई यहां पर साधारण क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोजन। आगे लिख देता हूं एच हाइड्रोजन से। ड्यूटेरियम को बोलते हैं बच्चों यहां पर हम भारी हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहां पर बोलते हैं इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को हम कहते हैं। तो ये हो गए इनके सामान्य नाम हो चुके हैं। यदि हम उपयोग की बात करें बच्चों तो उपयोग भी इनके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हमने नोट किया उपयोग के बारे में। जो अपने पास में जो सिंपल हाइड्रोजन है बच्चों उससे हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम कंपाउंड है चाहे कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, वहां पर मैक्सिमम जो कंपाउंड बनते हैं बच्चों वो किससे बनते हैं, साधारण हाइड्रोजन से बनते हैं। तो हमने नोट किया इसके उपयोग के बारे में। अधिकतर या अधिकतम यौगिकों के निर्माण में काम आता है। भारी हाइड्रोजन की बात करें बच्चों हम तो परमाणुवीय जो रिएक्टर होते हैं, भट्टियां होती है, परमाणु भट्टी में क्या होता है, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। तो नोट किया हमने यहां पर परमाणुवीय भट्टियों में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। तो भाई आपको पता होगा परमाणु भट्टी होती है जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, वहां पर नाभ की विखंडन अभिक्रियाएं चलती हैं, उन अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन निकलते हैं और उन न्यूट्रॉन की स्पीड को हमें समय समय पर कम करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों यहां पर हम यहां पर काम लेते हैं भारी पानी जो बनता है ड्यूटेरियम से बनता है। ओके, हम बात करें टिटियम की बात करें बच्चों तो ये रेडियो एक्टिव है और जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या काम आते हैं, वो कार्बन डेटिंग में काम आते हैं, जिससे हम पुराने जो पेड़ होते हैं मूर्ति होती है उनकी आयु का हम पता कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविता में काम में लिए जाते हैं। तो नोट किया हमने यहां पर रेडियो एक्टिविता में उपयोगी है। तो ये हमने यहां पर इनके कुछ विभेद देखे हैं, विभिन्नता देखी तीनों में। तो इनको भी आपको दो तीन बार पढ़ लेना है ताकि ये आसानी से आपको याद हो जाए। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनके कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं क्रम है जो हमें याद रखने होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले आप इनको नोट कीजिएगा जल्दी से। तो नोट कीजिएगा अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण क्रम हम देखेंगे यहां पर समस्थानिकों के बारे में। तो भाई हमने सबसे पहले नोट किया हमारे पास समस्थानी के सबसे पहला प्रोटियम है, S2 है, D2 है और बात कर रहे हैं यहां पर टीटीएम की बात करें T2 है। तो जब बच्चों बात करें मॉलिकुलर मास की बात करते हैं, यहां पर आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, तो आपको पता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी है जिसकी वजह से क्या होता है अणु का द्रव्यमान भी यहां पर बढ़ने लगता है। तो पहला क्रम हमने नोट किया आणविक द्रव्यमान। ओके, तो यहां पे क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन यानी नाभिक में द्रव्यमान का मान बढ़ेगा। तो यहां पर क्रम कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। ओके बच्चों, यहां पर तो हमने नोट किया स्टेप से। नेक्स्ट नंबर की हम बच्चों बात करते हैं यहां पर बंद ऊर्जा की बात करें, H2 D2 T2 में हम देखते हैं बंद ऊर्जा
बंद ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। बंद ऊर्जा की बच्चों यदि हम बात करें तो आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो बंद क्या होगा भाई, मजबूत बनेगा। ओके, तो यहां हम देखते हैं कि ये द्रव्यमान का मान ज्यादा कहां पर है, टी2 में है, तो बंद अधिक मजबूत कहां बनेगा, टी2 में बनेगा। तो बंद को तोड़ने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कब मिलेगी हमें, टी2 के अंदर मिलेगी। यहां पर तो हमने नोट किया कि बंद ऊर्जा का मान कहां पर ज्यादा है भाई, टी2 के अंदर में ज्यादा दिखाई देगा। भाई बंद ऊर्जा का मान टी2 में ज्यादा है, बंद आसानी से टूटने वाला नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टी2 की जो अभिक्रिया होती है, जो सक्रियता होती है, वो काफी स्लो चलती है। ठीक है, और अभिक्रिया कौन सी फास्ट होगी, जहां पर बंद आसानी से टूट जाता है, वो कौन सा समस्थानिक अपने पास बच्चों, वो होता है H2। तो हमने नोट किया यहां पर सक्रियता का क्रम H2 D2 और T2 के अंदर, हम नोट कर रहे हैं यहां पर सक्रियता का क्रम, तो हमें पता लगेगा कि H2 का बंद तोड़ना काफी आसान है, तो वो जल्दी अभिक्रिया करेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट में हम बच्चों बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट नोट के, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जहां पर बंद मजबूत है उनको तोड़ना क्या बच्चों, काफी मुश्किल होता है। हम यहां पर ध्यान से देखें, हमने नोट किया पर H2 D2 T2 की हम बात करें, हम बात करते हैं यहां पर क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आणविक द्रव्यमान क्या है, काफी ज्यादा है, बंद भी काफी मजबूत है, और जहां पर आणविक द्रव्यमान ज्यादा होता है वहां पर अणुओं के मध्य दुर्बल बंध क्या होते हैं, काफी ज्यादा मजबूत बनते हैं। तो हमने ध्यान से देखा कि जो T2 अणु होगा इसके चारों तरफ क्या होगा, अन्य T2 के अणु आएंगे और आपस में वो क्या होंगे, प्रबल बंध बनाकर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर इसको बॉइल करना, गर्म करना, वाष्पीकृत करना काफी मुश्किल है। तो हमने ध्यान से देखा कि क्वथनांक बिंदु ज्यादा कहां पर होता है, जहां पर आणविक द्रव्यमान हमें ज्यादा मिलेगा। तो भाई इस प्रकार से हमने काफी सारे यहां पर इसके क्रम देखे हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने समस्थानिक का अध्ययन कर लिया है। अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में, अगले लेसन में हम यहां पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहां पर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के प्रकार पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन किस टाइप से बना सकते हैं, उनके बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके गुणधर्म कौन कौन से वहां पर हैं। तो बच्चे बने रहिए अगली क्लास के लिए इटूस इंडिया के साथ। थैंक यू।